अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम गय्यूर हसन खान है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कैनवा की क्लास में हम सीखेंगे कि हम कैनवा पे लोगो किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लोग लोगो बनाना सीख जाते हैं तो आप इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल भी कर सकते हैं और एक महीने की अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। देखिए हम लोग आ चुके हैं कैनवा पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोगो। देखिए यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोगो आ गए हैं। अच्छा, लोगो मुझे ज्यादातर उस टाइप के अच्छे लगते हैं जैसे जिसमें अल्फाबेट वगैरह यूज हो रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये है, ये देखें सारे अल्फाबेटिक लोगोस हैं और ये अच्छे लगा है। ठीक है, इसलिए सारे कैनवा के अपने आप में सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ से इसको जो पसंद करना है और इसमें जाके अपने जो कंटेंट है, जो भी टाइटल जो नाम है वो सिर्फ इसमें ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, तो आपने इसमें कुछ बनाना नहीं है। यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि कौन सा हमें अच्छा लग रहा है, उसमें वर्क ही करते हैं, फिर उसको हम खुद भी बना के ट्राई करेंगे ताकि हमें चीज़ों का और टूल्स का पता चले कि किस तरह से इसमें यूज हो रहे हैं चीज़ें। अभी देखिए जैसा मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको पहले यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं इसको पहले आपको बना के दिखाता हूँ, फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल में बना किस तरीके से है। हम इसको खुद मैनुअल बनाएंगे पूरा अपने हिसाब से। ठीक है, ये देखिए इसके हिसाब से इसने यहाँ पे दे भी दिए। अब देखिए ये भी अच्छा लग रहा है, चाहे तो ये बना सकते हैं, चाहे तो ये भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन चीज़ें सबके अंदर तरीके का सबका एक ही है यूज़ करने का, बस आपको टूल की नॉलेज होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि उस टूल को आपने कब यूज़ करना है, तो आप कोई सभी क्या है लोगो ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखिए इसमें ये देखिए हमारा बना बनाया लोगो है, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपना नाम चेंज करेंगे, अल्फाबेट पीछे से चेंज कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी रेडी हो जाएंगी। ठीक है, तो अब लेकिन अब मुझे करना ये है कि मैं चाह रहा हूँ ये लोगों में खुद बनाओ। ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मैं देखिए एड्स पर आता हूँ। कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, चाहे तो आप यही कलर रख लें सेम, और चाहे तो आप दूसरा कलर कोई चॉइस कर लें। ठीक है, तो इस पे देखिए ब्लैक और ये देखें यहाँ पे क्रीम टाइप का कलर का कॉम्बिनेशन है, तो मैं यूज़ करूँगा वाइट और ब्लैक। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड को हम ब्लैक लेते हैं और जो अल्फाबेट लिखेंगे वो वाइट से लिखते हैं, तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ले लेता हूँ ब्लैक बैकग्राउंड मैंने लिया। ठीक है, अब मैं अल्फाबेट जो यूज़ करूँगा वो मैं वाइट में यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मुझे अल्फाबेट चाहिए। ठीक है, हेडिंग जिसमें हमारे पास एक जी का अल्फाबेट हो, अल्फाबेट दोनों हमारे अलग अलग होंगे। देखिए यहाँ पे भी दो अल्फाबेट अलग अलग है, बीच में लाइन है, तो हम दोनों अल्फाबेटों को हम अलग अलग लेंगे। ठीक है, जी हमने ले लिया और हमने मैं मुझे लिखना है गय्यूर खान के हवाले से। ठीक है, मैं अपने यूट्यूब के हवाले से लोगो बनाना चाह रहा हूँ। तो देखिए जी के दोनों अलग अलग हो चुके हैं। अब इसके बाद देखिए मेरा सेकंड स्टेप है, सबसे पहले मैं इनके साइज़ को क्या करूँगा, मैं बड़ा करूँगा, मैं इसको 150 कर देता हूँ। ठीक है, 150 हमारे पास साइज़ हो चुका है, मैं इसको सेंटर में लेकर आता हूँ। अब देखिए अगला स्टेप हमें ये करना है, फॉन्ट आपने पसंद करना है। देखिए इसमें इस टाइप का फॉन्ट है, आप लोग को जो इच्छा लगे आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी इस टाइप का फॉन्ट एक देख लेता हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग को जो अच्छा लगे आप वो रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखें मैं इसको सेंटर में लेकर आता हूँ, थोड़ा सा स्पेस दूंगा ताकि मैं लाइन को ऐड कर सकूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एलिमेंट में आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइन, मुझे लाइन चाहिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइन। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, लाइन आ गई है, तो मैं देख लूँगा जो मुझे अच्छी लगेगी वो मैं उठा सकता हूँ। अब देखिए जैसे ये लाइन आ गई है हमारे पास, ये देखिए ब्लैक कलर में आई है, मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ठीक है, और इस साइज़ के हिसाब से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और इसको अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, सेंटर में ले आऊँगा और दोनों तरफ से बराबर ऊपर नीचे से बराबर बाहर हो। देखें ये हमारा देखें रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, बीच में हमें इसके टेक्स्ट ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम लोग टेक्स्ट ऐड करते हैं। अब इसमें हम क्या चीज़ लेंगे, हमें यहाँ पे एलिमेंट में जाके हम लेंगे यहाँ पे शेप और हम शेप को यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे शेप आ गए, मैं यहाँ शेप ले लेता हूँ, ये देखिए हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले करने का है, हमें इसको पहले एडजस्ट करना है कि हमें कितना चाहिए, हम कहाँ वाले हिस्से पे लिखेंगे। ये देखिए मैं इस वाले हिस्से पे लिखूंगा अपना नाम पूरा, जीके मेरा नाम गय्यूर खान है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब हमने देखिए वाइट देखे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इस वाली लेयर को हम क्या करेंगे, टॉप पे ले आएंगे क्योंकि हमें पीछे का बैकग्राउंड जो है वो हाइड करना है। तो मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ, ये हमें फ्रंट पर आ चुका है। और अब मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा तो क्या होगा, अब देखें ये देखें ये बिल्कुल बीच वाला हिस्सा क्लियर हो चुका है। अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, एक्स वाला मैं बॉक्स ऐड करूंगा और मैं अपना नाम यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए नाम लिखता हूँ GHA। ठीक है, ये मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए ये यहाँ से बाहर निकल रहा है, चाहे तो आप बाहर निकालें चाहे तो आप इसके हिसाब से रखें। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके हिसाब से इसके सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, चाहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये करना है, ये कर लें, ऑफिस सेंस कर लें, डॉक्यूमेंट ये करना है, ये कर लें, करना ये कर लें। देखिए अगर आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा छोटा वर्ड हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें लेटर स्पेसिंग में आके हल्का सा इसके स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखें हमारा, फिर मैं इसकी स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ और ये देखिए हमारा लोगो क्या है, इसमें देखिए हमारा नाम भी क्या है, फर्स्ट वर्ड भी यूज़ हो रहे हैं और हमारा पूरा नाम भी आ गया। तो ये देखिए प्यार था, हमने लोगो बना लिया है वो भी मिनटों में। तो आप भी क्या कर सकते हैं इस तरह से सिंपल लोगो, क्योंकि हम अभी बिगनर हैं तो हम अभी बिगनर के हवाले से सीख रहे हैं लोगो बनाने। इंशाल्लाह जब हम एडवांस पर जाएंगे तो हम एडवांस लोगो भी बनाना सीखेंगे। अभी हमने क्या करा आज की क्लास में, हमने सिर्फ कैनवा को यूज़ करते हुए अपना एक लोगो जनरेट कर लिया। तो ये देखिए हमने एक लोगो बनाया है। ठीक है, इसको देखते हुए अच्छा देखें। और दूसरी चीज़ ये कि अगर अब आप आगे यहाँ पे ज़रा नज़र मारें
तो आप लोगों को क्या है, आप लोगों को तरीका समझ में आ गया है कि लोगो आपने किस तरीके से बनाना है। मैंने आपको पूरा तरीका सिखाया कि क्या क्या चीज़ें टूल इसमें यूज़ हो रहे हैं तो और क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं। अब आप लोग जब इधर आके नज़र मारेंगे अपने याले लोगोस पे जो कैनवा दे रहा है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यार इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है। तो बिल्कुल सिंपल आपको देखने में पहले लगेगा कि यार ये बहुत मुश्किल थे, हम कैसे बनाएंगे, नहीं बना सकते। लेकिन जब आप लोगों को तरीका समझ में आ गया है, आप लोगों ने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो आप इसको आप इजीली मिनटों में खुद बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस वाले में उन्होंने क्या करा है, सी एस को ले लिया है, ठीक है, एस ऊपर कर दिया, सी नीचे कर दिया, और एक यहाँ पे सर्कल सा ले लिया है, ये भी है। ये देखिए इसमें भी इन्होंने एआर लिया है और क्या कर दिया है, शेप को यूज कर दिया, आधा हिस्सा पैप कर दिया इसका, मतलब हाइट कर दिया, ठीक है। ये देखिए एस और एच क्या करा है, एस का आधा हिस्सा इन्होंने क्या कर दिया, हाइट कर दिया, और एच का आधा हिस्सा, और ये बड़ा बेहतरीन था हमारा लोगो बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस में आपको क्या है समझ में आएगा क्या चीज़ कैसे हो रही है। देखिए एम, ये देखिए कितने प्यारा लग रहा है, एम के इन्होंने क्या करा है, स्टार्टिंग वाली जो है इसकी लाइन है वहाँ पर इन्होंने अपना पूरा ब्रांड का नाम लिख दिया, तो ये भी बहुत बेहतरीन है और सिंपल से स्टेप में आप इसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा लोगो रेडी, अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, इसमें हम लोग क्या है सर्कल में भी बना सकते हैं। इसका मैं सबसे पहले यहाँ पर एलिमेंट में आके मैं देखिए मैं सर्कल सर्कल पर क्लिक करता हूँ सी आई आर, तो ये हमें सर्कल दे देगा बहुत सारे जो हमें अच्छे लग रहे हैं। ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बाकी आपके ऊपर है अगर आप करना चाहें या ना करना चाहें। हमारे पास एक ग्लो वाला सर्कल आ गया है, अब मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें ये हमारा प्यारा सा लोगो, बेहतरीन सा लोगो बन चुका है, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। ये देखें ये हमारा लोगो रेडी हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा इसको डाउनलोड करूँगा, मैं इसको मुझे इसको जहाँ यूज़ करना है मैं इसको इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आएगी और आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे लोगोज बनाने पे। लोगों के हवाले से जो काम है वो बहुत अच्छा है, फाइवर अपवर्क वगैरह पे क्या है अपनी सर्विस को सेल कर सकते हैं, या आप यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे क्या कर सकते हैं लोगों को इन्विटेशन दे सकते हैं कि भाई मैं आपको लोगो बना के दूंगा और आपसे ये चार्ज इतने चार्ज करूंगा, ठीक है। तो लोगों को बहुत जरूरत होती है, उनको बनाने नहीं आता, या वो डायरेक्ट ऑनलाइन जाके बनाते हैं जो उनके हिसाब से नहीं बन पाता, ठीक है। या फिर वो लोग किसी को पेंट करके पेंट पे क्या करते हैं लोगो बनाते हैं पैसे देके, आप लोग उनको इस तरह कैनवा का यूज़ करके सिंपल से लोगों को सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ एक क्लास आपको समझ आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।